150 ओनली फॉर 50 ही। चलो मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि। मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है क्या बताओ? हाँ पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। कितना वजन होता है? 0.6 ग्राम, मटर के दाने के बराबर होता है। यहाँ पे 0.6 ग्राम ओनली फॉर 86। ठीक है, मलेरिया रोग, मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है बता? मलेरिया में कौन सा प्रभावित होता है? मलेरिया का नाम सुने हो ना? क्लास्ट्रिडियम परजीवी कीटाणु से होता है। मादा एनोफिलिस मच्छर अगर काटेगा तो कौन सा रोग होगा? मलेरिया। मलेरिया में कौन सा प्रभावित होता है आपके शरीर में? पीलिया। पीलिया क्या होता है? पीलिया। तो स्त्री बोलते हैं उसको, ठीक है ना, या तिल्ली भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। 87 आगे देखो। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है बताओ? लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, ठीक है ना। इसीलिए आयरन की गोली देता है, आंगनबाड़ी में देता है ना आयरन की गोली। किसको किसको मिला है आयरन की गोली? सभी को, जो भी जाएगा सबको देगा, ठीक है ना। वो बांटने के लिए ही आता है। खून का कमी नहीं होगा। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है ना। विटामिन B12 की कमी होगा तो क्या बन जाएगा शरीर में? एनीमिया नामक रोग बनेगा। एनीमिया को अल्प रक्तता भी बोलते हैं, ठीक है। किसमें मिलता है सबसे ज्यादा आयरन? पालक साग में मिलता है, ठीक है ना। केला हो गया, पालक साग हो गया, ठीक है। चलो 88 नंबर, 88 किस बैक्टीरिया से होता है? टिटनेस रोग किस बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होता है बता? सब पढ़ाए हैं, क्लास्ट्रिडियम, क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। इसका नाम होता है क्लास्ट्रिडियम टिटेनी। 89 सेरिब्रम का कार्य, सेरिब्रम, सेरिब्रम का क्या कार्य है? क्या कार्य
कार्य जैसे विक्रम का क्या कार्य बताओ, क्या जैसे विक्रम का जल्दी बोल दो यार। बुद्धिमता याददाश्त, याददाश्त तरीके से गलत लिख रहे हैं, याददाश्त लिखता है ना, याद याददाश्त याददाश्त चिंतन, याददाश्त क्या हो जाएगा चिंतन, और भी कुछ चीजें हैं सोचना भी उसी में है, चिंतन लिखते हैं। 89 90 90 बोलो, अच्छा आरबीसी का कमरा का किसको बोला जाता है, पिलिया, जबकि तो पिलिया है ना, पहले आंसर मारोगे पिलिया, अगर पिलिया नहीं रहेगा तो बाप नहीं मिलेगा तो बेटा जबकि मार देना, ठीक है ना। आरबीसी का कमरा का, आरबीसी का निर्माण कहां पे होता है, क्या होता है, अस्थि मज्जा में, जिसको बॉम्बे बोलते हैं, बोलते हैं ना, और आरबीसी का कपड़ा कहा, यहाँ पे वो नस होता है अस्थि से खुद स्थित जाता है ना, आरबीसी का कपड़ा कहा किसे करते हैं, जब ये रहेगा सबसे पहले अगर कहीं पे पिलिया रहेगा तो पिलिया मारेगा, पिलिया नहीं रहेगा तो, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी लिखते रहो। 92 में पित्त का पीएच मान कितना होता है, हाँ 7.5, 7.4 से 6 के बीच में होता है ना, 7.4 भी होता है, 7.5 भी, 7.6, इसको लिखाना जरूरी है, लिखाएंगे पिक का पी है, जितना देर में बोल रहा था मुझे मैं लिख दो, बोल नहीं लिखाना होगा, ठीक है। पिक का पी एच मान कितना होता है, 7.4, ठीक है, समझे तकनीक बता रहे हैं, जब बोल रहे लिखा है कोबाल्ट 60 केमिस्ट्री में पढ़ा दिए थे ना, कैंसर को उपचार में यूज होता है, गामा किरण निकलता है, बता चुके थे, कैंसर का अध्ययन कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताओ, कैंसर जो होता है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पिटने के लिए दीजिए उसको, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है, OMCOLOGY ऑन्कोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, ठीक है ना, लिख लो, मैं लिखूंगा नहीं, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, और जिसे कैंसर पता चलता है उसको बायोप्सी बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया, क्या क्या बोले,
कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। ठीक उसी प्रकार कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। सी वाई टी करो ना, एलोजी साइटोलॉजी। ठीक है, और कैंसर का पता कैसे लगाया जाता है? बायोप्सी टेस्ट द्वारा। किस टेस्ट के द्वारा? बायोप्सी टेस्ट। कैंसर का पता लगाया जाता है बायोप्सी टेस्ट के द्वारा, और एड्स का पता लगाया जाता है एलिसा टेस्ट के द्वारा। राइजोबियम जीवाणु, राइजोबियम कितना नंबर होगा? कितना नंबर हो गया? 96 या 97? खत्म कहां पे खेलते यहां? और को बचे कितना लगा? 93। ऑन्कोलॉजी 93 तो 94 मेरे लिए 94 है। ठीक है ना, आपको दो तीन क्वेश्चन लिखने वाला चीज है। राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु कहाँ पाया जाता है बताओ? अरे जड़ में मिलता है। कहाँ मिलता है? जड़ में। किसका? दलहन। दलहन के पौधे के जड़ में। दलहन के पौधे के जड़ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या करता है? यानी धरती में फिर से नाइट्रोजन को जमा करता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? निषेचन के बाद, निषेचन, निषेचन के बाद बीज कहां बनते हैं बताओ? ये बीएससी वालों के लिए क्वेश्चन है बताओ, पढ़ाए हैं बीएससी वालों को। बीजांड में बनता है ना? पौधे में, पौधे में जल का संवहन कौन करता है? वेरी गुड। क्या हो जाएगा आंसर? जाइलम। ठीक है ना, और पौधे में भोजन का संग्रहण फ्लोएम। अब फाइलम मतलब क्या होता है? जाति। फाइलम है ना, फाइलम मतलब जाति होता है। फाइलम नहीं लिखते ना, फ्लोएम। ठीक है ना, पौधे में भोजन का संग्रहण फ्लोएम करता है, लिख देते हैं। पौधे में भोजन का संवहन कौन करता है? जाएगा फ्लोएम। ठीक है ना,
कल हमने क्वेश्चन लिखा था मनुष्य के कैसे कशेरों के दंड में कितनी जोड़ी केवल पाया जाता है, 31 जोड़ी कल लिखा था पहले, है ना, आज नहीं लिखाएंगे तब। अच्छा एक एक चीज बताओ, तंबाकू में क्या मिलता है, कौन सा जहरीला पदार्थ मिलता है, निकोटीन लिखा है एक दिन केमिस्ट्री में लिखा था पहले, उससे रिपीट हो रहा है ना, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया बताओ, युगो डी ब्रिज, युगो डी ब्रिज यही ना दिया था, 99 विकास का सिद्धांत किसने दिया था, विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार चार्ल्स डार्विन, सिस्टम ऑफ नेचुरी नामक किताब किसने लिखा था, सिस्टम ऑफ नेचुरी, कार्ल्स लिनियस का नाम सुना है, किस चीज का सिद्धांत दिया था, कार्ल्स लिनियस टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का सिद्धांत दिया था ना, कार्ल्स लिनियस टैक्सोनॉमी, ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं ना स्पेसिस को पांच भागों में, बाद में उसको अखिल ने दे दिया, क्या कहते हैं उसका सिद्धांत को ज्यादा प्रतिपादित किया वेटकर ने, आर एस वेटकर, हम पढ़ते हैं ना प्राणी को पांच भागों में, प्राणी को पांच भागों में क्या क्या पढ़ते हैं, मोनेरा प्रोटोस्टा फंगी प्लांटी और एनिमलिया, पांच भागों में बांटते हैं कि नहीं, याद आया, सबसे ऊपर में किंगडम और सबसे नीचे में स्पीसीज, ठीक है, आगे क्वेश्चन लिखो, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, विषाणु के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नहीं पता है, हाँ वायरोलॉजी, वायरस बोलते हैं ना, वायरोलॉजी, एक शब्द में लिखो, कवकों में, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, बताओ बीएससी वालों, इतना बढ़िया से पढ़ाया है जो बीएससी वालों, किसकी बनी होती है, काइटिन की,
लुई पास्चर, लुई पास्चर ने किस रोग का टीका खोजा था? किस रोग का टीका खोजा था लुई पास्चर ने? बताओ है? किसके काटने से होता है रेबी? कुत्ता बिल्ली, अगर पागल कुत्ता या बिल्ली काटेगा तो उसे क्या हो सकता है? रेबीज। रेबीज में कौन सा वायरस होता है? रेबडो वायरस। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, ठीक है ना। और इसको जलभित्ति के नाम से भी कहा जाना जाता है रेबीज को, जिसको हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, यानी पानी से डर लगेगा, जिसको रेबीज हो जाएगा पानी से डर लगेगा। किसने खोजा था इसका टीका? लुई पास्टर। समझ में आ गया? लुई पास्टर ने टीका खोजा। कौन सा वायरस होता है? रेप्टो वायरस। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। इसको और किस नाम से जाना जाता है? जलभित्ति या फिर हाइड्रोफोबिया। एक बार देखो मैडम, चलो जल्दी छापो, जल्दी छापो, छाप लिया जल्दी छपी, जल्दी हो गया बेटा मैं। अच्छा, दूध का पास्चरीकरण जानते हैं आप लोग? जो पैकेट वाला दूध खरीदते हैं, पैकेट वाला दूध खरीदते हैं ना, वो कौन सा दूध होता है? पास्चरीकृत लिखा रहता है, देखिएगा, ठीक है ना भैया। पास्चरीकरण क्या होता है? कितना डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है पास्चरीकरण? लिख लीजिए, दूध का पास्चरीकरण 62 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। 62 डिग्री सेल्सियस। कितना नंबर था यहाँ पे अभी? 101 था ना, 104। चलो, दूध का पास्चुरीकरण किया जाता है, पास्चुरीकरण किया जाता है कितना डिग्री? 62 डिग्री, 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक, ठीक है। 62 डिग्री सेल्सियस पर कितना देर तक उबाला जाता है? 20 मिनट तक। तब आप दूध पैकेट में सील होता है और आप लोगों के पास आता है, समझ में आया? सुधा दूध पीते हैं ना, रेड काउ, अमूल, सब उससे आता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है, के लिए जिम्मेदार है कौन है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार
CO2, CHC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन है नहीं सब जिम्मेदार है। सीएफसी किसको खराब करता है? ओजोन को। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन लाता है? तो CO2। ग्रीन हाउस इफेक्ट 105, 106। ठीक है, हेलो कहते हैं क्या बोला जाता है? हाँ, कोमोलॉजी लिख लो आप लोग। हेलो कहते हैं को कोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का स्राव हुआ था? चलो कौन बताएगा, कौन बताएगा? हाँ, कौन सा गैस का रिसाव हुआ था बता पाएगा? मिथाइल आइसो साइनेट। आपको ऑप्शन दे दिया साइनाइड कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना? साइनाइड ऑप्शन दे माना, हम एक बार किसी में गलती कर गए थे, मिथाइल आइसो साइनाइड मान लिया, आइसो साइनाइड होता है, ठीक है? इसलिए एकदम बहुत अच्छा से याद है। कहता है बादाम खाने से इंसान के दिमाग तेज नहीं होता है, धोखा खाने से होता है, पता है ना? मरुस्थली, मरुस्थलीय पौधे को क्या कहा जाता है? मरुस्थलीय पौधे को क्या कहा जाता है बताओ? पूछा किसे हुआ है? मरुस्थलीय पौधे को क्या कहा जाता है? जीरो फाइव जीरो फाइव जीरो फाइट, जीरो फाइटा बोलते हैं, ठीक है ना? हिंदी लोगे तो जीरो फाइटा एक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है? 108। प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किसमें मिलता है? प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा किसमें मिलता है? यहाँ पे पुलिस की कौन कौन तैयारी कर रहा है? उत्पाद सिपाही का कोई है यहाँ पे? कौन कौन है, कौन कौन कर रहे हो? वो करती है। और कौन जो लोग ऑनलाइन किए हो वो लोग सुबह सुबह चना चना गुड़ और सोयाबीन का बीज मिलता है ना? सोयाबीन वो सब्जी बनाने वाला नहीं, सोयाबीन का बीज होता है, ठीक है ना? पूरा खाओ सोयाबीन, हाँ, सफेद सफेद छोटा छोटा, ठंड में बढ़िया नहीं लगता, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोटीन है। जब हम 10 किलोमीटर दौड़ते थे दही तब हम लोग खाते थे। तो किसमें मिलता है सबसे ज्यादा प्रोटीन? सोयाबीन के बीज में। ये सोयाबीन का मतलब आप सब्जी बनाने वाला सोयाबीन समझ लीजिएगा, डेली बना के खा रहे हैं क्या? सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है बताओ? सबसे छोटा कौन सूत्र किसमें मिलता है?
हमने कहा था आज हमें बायोलॉजी खत्म करना है, एनी हाउ बायोलॉजी को खत्म कर देना है, रिवाइज कर, ठीक है, और 2 दिन में केमिस्ट्री खत्म कर देना है। केमिस्ट्री खत्म कर दिया है, लीजिए 2 दिन में फिजिक्स खत्म कर देंगे और इसके बाद आप लोग चाइना में घूम देंगे। चलो अगला सवाल देखो। अब एक बताओ, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में रहता है, पत्ते में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया, ठीक है। जलीय पौधे को क्या करता है? जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफोबिया नहीं कर देना, ठीक है। देखो हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं? बता दो नाम तो पैरामेसियम का है। देखो पैरामेसियम हरा प्रोटोजोआ है, पैरामेसियम 111। ऑक्सिन भी बोलते हैं, यहाँ पे ऑक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है ना, ऑक्सिन या ऑक्सिन या ऑक्सिन जो भी बोलो, ठीक है, इंग्लिश रहता है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ऑक्सिन या ऑक्सिन जो बोलना है, ऑक्सिन कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन कौन सा हार्मोन है? बहुत बढ़िया, कौन सा, कौन बोला ये बात, कौन आंसर दिया, कौन दिया?
कितना बताया, 111 है, 110, एक सौ बारह, चलो कुछ सवाल हम लोग मुंह से कर लेते हैं। अनुवांशिकी का पिता, अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल। अब मंडल जी नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। गुण सूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, गुण सूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, यानी आपको यहां पर गुण सूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए। डीएनए का बना होता है प्रोटीन का। एक साथ दो तीन क्वेश्चन को एक साथ मर्ज कर रहे हैं, ठीक है ना। एक गुण सूत्र के अंदर डीएनए प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है बताओ, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्रोमेटिन कहते हैं। यानी क्रोमेटिन क्या है, तो डीएनए के अंदर एक प्रोटीन है, यानी डीएनए एक प्रोटीन है और उसी से गुणसूत्र बना है, क्रोमेटिन से गुणसूत्र क्रोमोसोम बना हुआ है, ठीक है। अच्छा आपको तो पता है डीएनए को मापा किस जगह, किससे जाता है, पिको का बोलते ना, पिको फेमटो एटो, तो पिकोग्राम से मापा जाता है, ठीक है, पिको, पिकोग्राम। डीएनए की मात्रा को पिकोग्राम से मापा जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने खोजा था, बार्टन और क्रिक। डीएनए की संरचना किसने खोजा था, बार्टन और क्रिक, ठीक है। दलदल में उगने वाले पौधे को क्या बोलते हैं, दलदल में उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है बताओ, हिलोफाइट, हिलोफाइट कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हिलोफाइट। 115 अग्निशामक लिखा थी, तो सीएल जी ग्रो ग्रो का तो लिखा है ना, बस 115 क्वेश्चन आप लोगों को बायो से लिखा है, ठीक है। अब लिखिए पादप एवं उसके रोग, या पादप रोग एवं उनके कारण, या पादप रोग किसने होता है, ठीक है, सिंपल सा है, पादप रोग।
यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, यहाँ लिखते हैं चार राग हो जाएगा पादप रोग, पादप रोग। एक नंबर पे लिखिए पलास्ट, पलास्ट रोग, एक नाम, एक पला है रोग का नाम ये, ठीक है, ये हो गया रोग। और इस साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस फसल में होता है, ठीक है ना, रोग और फसल, तो ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट को छोंका भी बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, छोंका रोग। किसमें होता है, कौन सा फसल में, तो ब्लास्ट रोग छोंका रोग धान में होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखो ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म रोग किसमें होता है, ब्लैक आर्म कपास में होता है। तीसरा नंबर देखो खैरा रोग, खैरा, खैरा रोग किसमें होता है, धान, हम लोग देखे हैं लाल लाल हो जाता है तो वहां पे जोनका वाला लगा देता है, जब सुने हो धान खराब होने लगता है, खा जाता है, लाल होने लगता है, जब हाँ खैरा रोग है, उसे धूप लगाने से कुछ नहीं होता लेकिन आदमी का विश्वास ठीक हो जाता है। चार नंबर खैरा रोग के बाद हो जाएगा रेड रोट, रेड रोट, रेड रोट रोग, ठीक है, किसमें होता है, रेड रोट गन्ना में होता है, लाल लाल हो जाता है गन्ना देखना, ठीक है। पांच नंबर में रेड रोट के बाद देखो टिक्का, टिक्का पानी खाए होना, तो टिक्का रोग किसमें होता है, मूंग फली में, हो गया ठीक। उसी प्रकार इधर रोग है और इधर क्या हो जाएगा, फसल खत्म नहीं हुआ, इसलिए छह नंबर देखो लिटिल लीफ, छोटा पत्ता ना, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ रोग कितना होता है, नींबू में, किसमें होता है, नींबू में, लिटिल लीफ नींबू में, ठीक है, लिटिल लीफ रोग नींबू में होता है। आगे लिखो व्हीप टेल, व्हीप टेल, व्हीप टेल होता है फूलगोभी में, फूलगोभी में। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इरगाट, इरगाट रोग होता है, इरगाट रोग किसमें होता है, बाजरा में। और लिटिल टाइम टेबल नहीं, फट से बजाना। लिटिल लीफ किसमें होता है, तो एक लिटिल लीफ नींबू में होता है, एक लिटिल लीफ किसमें होता है, लिटिल लीफ ये आम में भी होता है, ठीक है। चलो लोगों मानव रोग पढ़ना जरूरी है, हाँ? जिन लोगों ने मानव रोग नहीं पढ़ा है